Why Hrithik Roshan's body is very sexy and attractive? Even when he is not a bodybuilder, ऐसे bodybuilders जिनके बड़े-बड़े muscles हैं, उनकी body भी Hrithik जितनी sexy और attractive नहीं है. What's the reason behind this? Hey guys, I am Darshan. Welcome back to another video. So, if you want to build a very attractive body, which almost everybody finds very sexy, then इस video में आपको बताऊंगा कि कौन सा body shape एकदम attractive है और आपको वो achieve करने के लिए क्या करना पड़ेगा. मैं इसमें exercises भी बताऊंगा जिससे कि आप वो attractive physique पा सकते हो. तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना. आपको उतना श्रेडर होने की भी जरूरत नहीं है टू बी मोर अट्रैक्टिव. आपको सिर्फ प्रोपोर्शंस पे ध्यान देना है जिससे कि आपकी बॉडी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी. एंड इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग देन लेट्स हॉप इनटू इट. तो हम स्टार्ट करेंगे अपर बॉडी से एंड देन वी विल गो टू द लोअर बॉडी. सो इन टर्म्स ऑफ हैविंग एन अट्रैक्टिव फिजिक, आपको बड़े बल्कि मसल्स होने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू हैव गुड प्रोपोर्शंस. फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपके एकदम मसल्स बड़े एकदम पावरफुल है, आपके बाइसेप्स बड़े बड़े हैं, वो फिटनेस का मतलब नहीं होता. अगर ऐसा होता तो अक्षय कुमार को फिटनेस में आइडल क्यों मानते. क्या फायदा ऐसे बड़े मसल्स होने का इफ यू आर इवन अनेबल टू पंच समवन. फिटनेस मतलब नोइंग योर बॉडी, डूइंग ऑल द फंक्शंस इन द मोस्ट एफिशिएंट वे विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी ऑफ पेन इन योर बॉडी. And if you like this definition, which is actually made by me, then drop me a like down below and subscribe to the channel. And press that bell icon also. Varna, aise definitions aap aane wale miss kar doge. So back on to the main topic. Aapko attractive body build karne ke liye kya chahiye? Aapko chahiye V taper and strong legs. Ye basic proportions hai. और ये वीडियो पर आपको पाने के लिए क्या करना चाहिए. वीडियो पर बिल्ड करने के लिए आपकी शोल्डर बिल्ड आपके वेस्ट के बिल्ड से ज्यादा होनी चाहिए. और ये बिल्ड पाने के लिए आपको शोल्डर्स बिल्ड करने पड़ेंगे और उसी के साथ आपकी अपर बैक यानी कि लैट्स और ट्रैप्स को ट्रेन करना पड़ेगा. लैट्स होते हैं आपके बैक के मसल्स जो स्टार्ट होते हैं यहाँ शोल्डर जॉइंट से और एंड होते हैं आपके मिड बैक में. और उसी के साथ ट्रैप्स होते हैं आपके वही बैक के मसल्स जो अपर बैक के होते हैं जो नेक से स्टार्ट होकर यहाँ मिड बैक में एंड होते हैं. तो लैट्स आपके वी टेपर को बिल्ड करता है और आपके शोल्डर आपके कॉलर को बिल्ड करता है जिससे कि आप ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी पा सकते हो. तो लैट्स को ट्रेन करने के लिए और उन्हें बिल्ड करने के लिए बेसिक या फिर एकदम इफेक्टिव एक्सरसाइज है पुल अप. आप उसमें सिंपल दो वेरिएशन है. वाइड ग्रिप लेने से आपकी विड्थ बढ़ेगी और क्लोज ग्रिप या फिर रिवर्स ग्रिप लेने से आपको बैक में विड्थ मिलेगी जिससे कि आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलता है वी टेपर मिलने के लिए. और उसके साथ आप कर सकते हो लैट पुल डाउन जिससे में कि आप दो वेरिएशन कर सकते हो एक वाइड ग्रिप या फिर रिवर्स ग्रिप जिससे कि वाइड ग्रिप में फिर से आपको विड्थ मिलेगी और क्लोज ग्रिप में या फिर रिवर्स ग्रिप में आपको थिकनेस मिलेगी जिससे कि आपको वी टेपर मिलेगा. एंड उसी के साथ एक और एक्सरसाइज है वो है बेंट ओवर रोज जिसमें कि एक कंपाउंड मूवमेंट है इसलिए वो भी बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है. उसमें आपके लैट्स तो बिल्ड होंगे ही पर उसी के साथ वो कंपाउंड एक्सरसाइज होने से जिसमें कि एक से ज़्यादा मसल्स एक साथ ट्रेन होते हैं उससे कि आपका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ेगा. और आपके शोल्डर्स को बिल्ड करने के लिए आपको करनी पड़ेगी शोल्डर की एक्सरसाइजेस. शोल्डर के बेसिकली थ्री हेड्स होते हैं, फ्रंट हेड्स, एक लैटरल डेड्स एंड रियर डेड्स. फ्रंट डेड्स होते हैं आपके सामने के शोल्डर्स एंड मिडल डेड्स आपके साइड के मसल्स जो आपको विड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे और ज़्यादा वाइड दिखने में हेल्प करेंगे. और रियर डेड्स होते हैं आपके बैक में जो अटैच होते हैं शोल्डर के मसल्स वो होते हैं रियर डेड्स. तो आपको शोल्डर विड्थ बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा मिडल डेड्स पे जिससे कि आपको ज़्यादा विड्थ मिलेगी क्योंकि वो साइड में लोकेटेड होते हैं जिससे कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपके शोल्डर ज़्यादा वाइड है. और ये शोल्डर के मसल स्टार्ट्स होते हैं आपके ट्रेपीजियस मसल से यानी कि कॉलर मसल से और वो एंड होते हैं आपके बाइसेप में जाके. तो ये शोल्डर्स बिल्ड करने के लिए आप कर सकते हो ओवरहेड प्रेसेस या फिर लैटरल रेजेस जिससे कि आपके फ्रंट हेड्स और साइड हेड्स ट्रेन होंगे जिससे कि आपको ज़्यादा विड्थ मिलेगी. दीज टू बेसिक एक्सरसाइजेस हेल्प्स यू अ लॉट टू बिल्ड योर विड्थ ऑफ शोल्डर्स. ये एक्सरसाइज सिंपल है और आपको ज़्यादा बेनिफिट करती है जिससे कि आपके शोल्डर ज़्यादा वाइड दिखते हैं और आपके शोल्डर भी ज़्यादा बल्क करेंगे और वेल राउंडेड दिखेंगे. और शोल्डर के साथ आपको ट्रेन करने हैं आपके ट्रैप्स के मसल्स यानी कि कॉलर मसल्स. तो उसके लिए यू कैन डू श्रग्स. ये एक सिंपल एक्सरसाइज है और ये आपके ओवरऑल ट्रैप को अपर ट्रैप को इजिली ट्रेन कर देगा. तो बेसिकली ये मसल्स आपको ट्रेन करने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा पुलिंग एक्सरसाइजेस पर क्योंकि आप जब पुल करोगे तो ये मसल्स ट्रेन होंगे. पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के एक्सरसाइजेस या फिर मसल्स यूजलेस है. आपको ओवरऑल अट्रैक्टिव एंड प्रोपोर्शनेट बॉडी चाहिए तो आपको सारे मसल्स को उतना ही इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और सब मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा. मैंने सिर्फ बताया वी टेपर के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी वो पुलिंग एक्सरसाइजेस है पर आपको बाकी के एक्सरसाइजेस पे और बाकी के मसल्स को भी उतना ही फोकस करना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा प्रोपोर्शनेट और अट्रैक्टिव बॉडी पा सकते हो. मतलब कि आपके आर्म्स भी उतने इम्पोर्टेंट हैं और उसी के साथ भी चेस्ट भी इम्पोर्टेंट है.
एंड उसी के साथ आपके लेग्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अट्रैक्टिव बॉडी पाने के लिए। वरना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपर बॉडी एकदम बड़ी बिल्ड कर लेंगे और उनके लेग्स एकदम पतले होते हैं जो कि जरा भी अच्छे नहीं दिखते। ये हो गए वो मसल जिससे कि आपको विड्थ मिलेगी, जैसे कि शोल्डर्स और बैक आपके लैट्स। और अब बारी आपके एब्डोमिनल मसल्स की, जिससे कि आपकी वेस्ट ज्यादा स्मॉल दिखेगी और आप भी टेपर पा सकते हैं और ज्यादा वाइड दिखोगे। तो अब बारी है आपके कोर की, यानी कि एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन करने की। तो उन्हें ट्रेन करने के लिए आपको करनी पड़ेगी एब एक्सरसाइजेस, जिससे कि आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जिससे कि आपको वी टेपर अच्छे से मिलेगा। और उसी के साथ आपको अगर अच्छी डेफिनेशन चाहिए एब्स में, अगर आपको एकदम सेक्सी और स्लिम वेस्ट चाहिए तो आपको एब्स के साथ साथ आपके ऑब्लिक्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। वो होते हैं आपके एब्स और लेग्स के बीच के मसल्स, जिससे कि आपकी वेस्ट ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल दिखती है और ज्यादा स्लिम भी दिखती है। तो ये सब पाने के लिए एक मेन चीज आपको अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा, तभी आपके एब्स विजिबल होंगे और आपकी कोर स्ट्रेंथ ज्यादा विजिबल होगी, जिससे कि आपके मसल्स भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे और आपकी बॉडी भी वी टेपर दिखेगी और आपकी बॉडी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। दैट्स व्हाई ऋतिक रोशन बॉडी इज वेरी सेक्सी एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि उसके लैट्स भी बिल्डअप है, उसके शोल्डर मसल्स भी पॉप होते हैं जिससे कि उसको वी टेपर मिलता है, वाइड लुक मिलता है। और उसी के साथ मेन उसका कोर मसल्स एकदम परफेक्ट है, एकदम डिफाइंड एब्स है और ऑब्लिक्स है उसके, दैट्स व्हाई ही हैज अट्रैक्टिव बॉडी। तो अब बारी आपके लोअर बॉडी की, सिर्फ अपर बॉडी बिल्ड करने से कुछ फायदा नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, आपकी लोअर बॉडी भी उतनी ज्यादा मस्कुलर एंड स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके लेग्स मस्कुलर होने चाहिए। तो उसके लिए आपका लोअर बॉडी में फर्स्ट पार्ट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, योर बट that is the strongest and biggest muscle in the human body. And if you lack that muscle, then your body is not attractive at all. आपके lower body भी उतनी strong and muscular होनी चाहिए। आप ये सोचो, आपने एकदम upper body एकदम अच्छी खासी build कर ली है, तो सामने वाले देखेंगे क्या सोचेंगे? They will think that, damn, he has very attractive body. And when you turn, they will start laughing and thinking that there is nothing behind in his pants. तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसा मजाक ना बने तो start working on your legs. उसी के साथ आपके glutes भी train होंगे. आपको legs में train करने आपके quadriceps के muscles, यानी कि thighs. और उसी के साथ आपको train करने आपके glutes and hamstrings, जिससे कि आपकी leg strength बढ़ेगी और आपके legs ज़्यादा muscular दिखेंगे. और आपके quads को train करने के लिए आप कर सकते हो squats, जिसमें कि आपके glutes भी train होंगे. और ये एक overall beneficial exercise है, क्योंकि एक compound movement है. इसमें आपकी वेस्ट भी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे कि आपकी वेस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रेशर आपके बैक पे भी आता है. और ऐसा कुछ नहीं है कि बिगिनर्स एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उन्हें कहते हैं कि वो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं है जिससे कि आपके बैक के बोन पे प्रेशर आएगा, आपकी हाइट उतनी ही बढ़ेगी. आपको स्क्वाट्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको वो करनी चाहिए, क्योंकि वो एक कंपाउंड मूवमेंट है और आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. बस ये एक्सरसाइज करते वक्त आपका फॉर्म करेक्ट होना चाहिए, वरना कुछ प्रॉब्लम्स हो भी सकते हैं. और आपको उसी के साथ आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ करने के लिए आप कर सकते हो लंजेस. तो लंजेस करने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपकी लोअर बॉडी एकदम अट्रैक्टिव दिखेगी और ज्यादा मस्कुलर होगी, आपकी लेग स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी ओवरऑल बॉडी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. और अगर आपको जिम में लेग स्ट्रेंथ करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही सारे लोग डरते हैं लेग स्ट्रेंथ करने के लिए जिम में, तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हो रनिंग से. रनिंग से भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलता है, रनिंग से भी आपके लेग स्ट्रेंथ होते हैं और आपके लेग ज्यादा मस्कुलर होते हैं, उसमें आपका एंड्योरेंस भी बढ़ेगा और स्टेमिना भी बढ़ेगा. और उसी के साथ आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मेटाबॉलिज्म एंड स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी. एंड द लास्ट मसल इन योर लोअर बॉडी इज योर काफ्स. काफ्स ज्यादा विजिबल होते हैं आपके कोई भी आउटफिट में, तो आपको उन्हें ट्रेन करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है काफ रेजेस, उसे आपके काफ्स एकदम अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे. और उसी के साथ अल्टरनेटिव भी आप रनिंग भी कर सकते हो, उसमें भी अच्छे खासे काफ्स बिल्ड होते हैं आपके. एंड दैट्स बेसिकली फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव, देन ड्रॉप मी अ लाइक डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. That's it from today. See you next time.